हलूं था पाण हिकिड़ी ॿी टॉप नंढड़ी टॉपिकड़ी ते टॉपिक न टॉपिकड़ी ते कहिड़ी आहे दैट इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम या ऑफ क्रोमोसोम्स। हाणे अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो मतिलबु आहे जेका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जे ज़रिए ॾिठी वञे, माना एतिरी नंढी जो असीं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जे ज़रिए ॾिसी करे उनखे असीं रिवील कयूं कहिड़ी कहिड़ी शयूं आहिनि। हाणे कुझु टर्म्स असां चोथे चैप्टर में हुया पर हुते स्किप करे आयासीं फस्ट ईयर में, जीअं क्रोमोनीमा, क्रोमोमर्स एक्सेट्रा, उहे पाण हिते डील कंदासीं। अच्छा, असीं चवंदा आहियूं त क्रोमोसोम बेसिकली डी एन ए ऐं प्रोटीन जो ठहियलु आहे। मिसाल तौरु तव्हांखे हिते हीअ कहिड़ी स्ट्रक्चर थी नज़र अचे, या डी एन ए हूंदी, मिसाल तौरु डी एन ए डबल हेलिक्स हूंदी आहे, त डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे। अच्छा, उनखां पोइ कुझु विथी खां पोइ अठ स्टोन प्रोटीन ईंदा आहिनि, अबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लस्टर आहे। उनजे चौधारी डी एन ए डबल रैप कंदी, रैपिंग वकोड़े वञणु, ट्विस्टिंग ॿ दफ़ा, माना हिनजे चौधारी हीअ हिकिड़ो दफ़ो डी एन ए वकोड़े वई, वरी ॿियो दफ़ो वकोड़ी वई, पोइ अॻिते हलंदी, वरी अॻिते हली अठ स्टोन प्रोटीन ईंदा, वरी हुनजे चौधारी डबल रैपिंग कंदी, वरी अॻिते हलंदी। अच्छा, हाणे हीअ जेको मोती वांगुरु स्ट्रक्चर आहे, हिकिड़ो मॉडल आहे जेके असीं चवंदा आहियूं बीड एंड स्ट्रिंग मॉडल, जेको छाखे थो रिप्रेज़ेंट करे, जेको रिप्रेज़ेंट थो करे असांजे क्रोमोनीमा खे, इहो की क्रोमोनीमा जो मॉडल आहे, बीड एंड स्ट्रिंग मॉडल। अच्छा, उन में छा हूंदो आहे त इहो जेको स्ट्रिंग आहे धाॻो आहे उहो डी एन ए जो, इहो डी एन ए माना स्ट्रिंग, वरी हीउ जेको न्यूक्लियोसोम आहे, अच्छा न्यूक्लियोसोम छा खे चइबो आहे, अहिड़ी स्ट्रक्चर जंहिंमें हीउ अठ प्रोटीन ऐं इहे डी एन ए आहे, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीकु आहे, इहो न्यूक्लियोसोम थी वियो। हाणे हिन में प्रोटीन्स घणा थी विया, अठ, अवा ही रहिया 8 हिस्टोन। ठीकु आहे, हिस्टोन असांजी कहिड़ी प्रोटीन हुई, अॻु में डिस्कस करे आयासीं, एसिडिक हुई या अल्कलाइन हुई, जवाबु हीअ अल्कलाइन हुई। डी एन ए असांजी एसिडिक आहे, हीअ अल्कलाइन आहे यानी बेसिक आहे, त हिस्टोन हिकिड़े क़िस्म जी बेसिक प्रोटीन आहे, अवा हीअ हिकिड़ी बेसिक प्रोटीन थी। अच्छा, गॾोगॾु वरी हुन सां छा हूंदो, डी एन ए हूंदी, अवा हीअ रही डी एन ए। हाणे हिन डी एन ए ऐं हिस्टोन प्रोटीन जे कलेक्टिव बाल लाइक स्ट्रक्चर खे असीं चवंदा आहियूं न्यूक्लियोसोम। अच्छा, न्यूक्लियोसोम खां पोइ वरी हिकिड़े न्यूक्लियोसोम ऐं ॿिए न्यूक्लियोसोम जे विच ते जेका डी एन ए हिनखे चइबो आहे लिंकर, LINKER, लिंकर माना ॻंढींदड़, जहिड़ो करे हिकिड़े न्यूक्लियोसोम ऐं ॿिए न्यूक्लियोसोम खे ॻंढे थी, वरी इहो न्यूक्लियोसोम, वरी लिंकर, न्यूक्लियोसोम, लिंकर, न्यूक्लियोसोम, लिंकर, बीड स्ट्रिंग, बीड स्ट्रिंग, दिस इज़ द बीड स्ट्रिंग मॉडल। हाणे उन में ॻाल्हि कईसीं त इहो जेको मोती ठहियलु आहे, इहो जेके असां चऊं था न्यूक्लियोसोम, जेको हिस्टोन प्रोटीन जो ठहियलु आहे ऐं डी एन ए जो ठहियलु आहे। अच्छा, हाणे हिकिड़े जिते माना असांजो हिस्टोन पूरो थियो यानी न्यूक्लियोसोम पूरो थियो, उतां खां वेंदे ॿिए न्यूक्लियोसोम सोम ताईं टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड्स डी एन ए जा ईंदा आहिनि। घणा? 200 न्यूक्लियोटाइड्स, असांजे बुक जी डेटा आहे पंहिंजी। अच्छा, उन 200 न्यूक्लियोटाइड्स मां घणे खां घणो तादाद हिते न्यूक्लियोसोम वटि हूंदो आहे, माना जेकर असीं हिन न्यूक्लियोसोम में ॻणियूं त आई थिंक त इहो 146 आहे या समथिंग हिते, या लास्ट टाइम पाण वेरीफाई करे कंफर्म करे इहा डेटा ॾिनीसीं। ठीकु आहे, ऐं बाक़ी घणा बचा लिंकर में, जेकॾहिं लिंकर में ॾिसंदासीं त जेकॾहिं निकिरी आहे त आई थिंक त हीअ 52 या समथिंग आहे, 1 या 54 आहे, हीअ आहे आई थिंक 154। बाक़ी घणा बचा? बाक़ी बचा 46, अबा हीअ रहिया 46, यानी लिंकर में केतिरा आहिनि, लिंकर में सिर्फ़ 46, ऐं हिन में न्यूक्लियोसोम में घणा आहिनि, 154 या 152, वॉट एवर इहो कंफर्म करे वठंदासीं पाण। सो पाण ॻाल्हि कईसीं त हीअ 46 एंड 152, पंहिंजे बुक में अहिड़ी का बि डेटा ॾिनल कोन्हे का, पंहिंजे बुक में जस्ट इहा ॻाल्हि कयल आहे त टोटल 200 हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, हिन मां मतिलबु अंदाज़ो इहो थियो त मेजॉरिटी डी एन ए जी हिन हिस्टोन जे चौधारी हूंदी आहे, बाक़ी अलॻि सां थी वई। ठीकु आहे, वापसि था अचूं। सो हीअ डी एन ए जो बिटो वकड़, वरी सिधी डी एन ए लिंकर वारी, वरी डी एन ए जो बिटो वकड़, छाजे चौधारी, स्टोन जे चौधारी। हाणे इहा जेका धाॻो मोती, धाॻो मोती, धाॻो मोती, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमोनीमेट। अक्सर इहो एम सी क्यू ईंदो आहे त विच इज़ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, जेकॾहिं कंहिं क्रोमोसोम खे खोले 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 आख़िरी सने में सने स्ट्रक्चर कढूं त दिस इज़ कॉल्ड क्रोमोनीमेटा या क्रोमोनीमा। जमा में चवंदासीं नीमेटा, सिंगुलर चवंदासीं क्रोमोनीमा। सो क्रोमोनीमा सिंगल, क्रोमोनीमेटा प्लूरल, सने में सने स्ट्रक्चर। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ क्रोमोनीमेटा। मतिलबु जीअं असां रस्सी ठाहींदा आहियूं कंहिं धाॻे मां त धाॻो बुनियादी स्ट्रक्चर आहे, हुनखे वटे वधीक थुलो धाॻो, अञा थुलो धाॻो, अञा थुलो धाॻो, आख़िर में रसो, लाइक दिस। सो क्रोमोसोम हिकिड़ी रस्सी वांगुरु आहे।
अच्छा हाँ डीएनए के जैसे वटबो वहाँ चौधरी ट्विस्ट हणंदी हाँ उनमें तो न्यूक्लियोसोम बो न्यूक्लियोसोम टी चौथों अड़ा इला सारा इंदा तो हि जो फोल्ड लगो आज चौधरी दिस इज कॉल्ड क्रोमोमर्स। क्रोमोमर्स जो सिंपल धागे में स्ट्रक्चर ही वो क्रोमोनीमेट उनके जरिए अस वटी तो उन्हें ट्विस्ट कर शुरू किया। हाँ ये ट्विस्ट हणे थी वकड़ हणे थी जैमें इला सारा न्यूक्लियोसोम्स अचन था तो असं इनके क्रोमोमर्स चवन। सो माना न्यूक्लियोसोम ए लिंकर का हायर स्ट्रक्चर थी असि क्रोमोमर्स। अच्छा अगत क्रोमोमर्स हि मिसाल तौर पर हि क्रोमोमर वो ही जो हि सो ट्विस्ट आड़ो क्रोमोमर हि बो टी चौथों पंजों तो इन जड़ो कर हिं एक अठे लाइक धागन वगुर हि स्ट्रक्चर्स टाइन लाइक दिस। हाँ एक स्ट्रक्चर्स इन्हें चबा इनके चबा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में ब किस्म हूँ यूक्रोमेटिन भी हेट्रोक्रोमेटिन यू माना फंक्शनल हेट्रो माना नॉन फंक्शनल। हाँ जैसे तुम किताब की तस्वीर में ऐसा तो किथे किथे ये होंद धबो ठे पे हों किथे वरी सना सना रेगुलर स्ट्रक्चर हों वरी किथे दबो हों मतलब तकड़ी तक क्रोमेटिन अड़ी नजर इंदी जी वेरिएबल हेट्रोक्रोमेटिन किथे कंडेंस्ड आ किथे घट कंडेंस्ड आ किथे तक थुली नजर इंदी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में धबे वगुर नजर इंदी किथे सनी नजर इंदी। अच्छा कुछ वरी क्रोमेटिन अड़ी होंगी जी स्मूथ होंगी माना मालिक्यूल 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 रेगुलर विथी थी हों अड़े डीएनए जी रेगुलर विथी से पैटर्नाइज्ड आ दैट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन एंड दैट यूक्रोमेटिन इज द फंक्शनल। पर अड़ी डीएनए जी मिक्स थी वही है किथे कंडेंस्ड आ किथे घट कंडेंस्ड आ दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल। तो ये असि नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल न थी हि अस फंक्शनल है माना ये फंक्शनल थी। ओके हाँ वरी अना जैसे या ट्विस्टिंग कहती तो असि इनके क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स चवे किताब आप तो सभी का पैं क्रोमोनीमा क्यों क्रोमोनीमा में न्यूक्लियोसोम वगैरह रखा उनका क्वाइल्स कंसिडर क्या अं क्वाइल्स का क्रोमेटिन खाई अं हेट्रो एंड यू वो सुपर क्वाइल्स क्या अं बेसिकली क्वाइल एंड सुपर क्वाइल का स्टेज को पा तो गाल तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर बार बार क्वाइलिंग कहती क्वाइल्स टाइंदी वे क्वाइल्स का भी क्वाइल्स टाइंदी। सो सिंपली वो क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स थन्दन। अच्छा क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स थियण का अड़े किस्म की स्ट्रक्चर ठहंदी ओ हिं एक छेड़े का बे छेड़े तीन दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। जैसे अड़ी ब स्ट्रक्चर्स ठहदी क्रोमेटिन बी क्रोमेटिन तो दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम यानी एकड़ो क्रोमोसोम में अड़ी क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स वाली ब स्ट्रक्चर्स होंद एक बे से गुड पैरालल होंद। सो एक क्रोमेटिन बी क्रोमेटिन एज अ होल क्रोमोसोम। हाँ जैसे असं वे में वे स्ट्रक्चर दसूँ तो क्रोमोसोम वो पा ही रो क्रोमोसोम ठहल है वो ब क्रोमेटिड्स जो ठहल है तो सेकेंड स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिड हेयर इज क्रोमेटिड वरी क्रोमेटिड पान छा जो ठहल है तो वो ठहल है क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स जो हेयर आर द क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स वरी क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स अजय ठहल क्रोमेटिन जो उनमें हेट्रो भी आए यू भी आए अब ये रही क्रोमेटिन। क्रोमेटिन वरी पान छा जी ठहल है जो अंदासी तो उनमें मौजूद हैं क्रोमोमर्स जो चौसी तो इलाही सारा इनमें फोल्ड्स हूँ माना वो पांच चौधरी ट्विस्टिंग होंगी वरी क्रोमोमर्स में वासी तो हूँ इनमें हूँ ओ ही न्यूक्लियोसोम्स ओ न्यूक्लियोसोम्स ठीक है क्रोमोमर्स न्यूक्लियो अच्छा सिर्फ न्यूक्लियोसोम न होंगी न्यूक्लियोसोम भी होंगी लिंकर भी होंगी माना क्रोमोनीमा होंगी क्रोमोनीमेटा। अब क्रोमोनीमेटा ये असि आखिरी आखिरी स्ट्रक्चर इनका स्ट्रक्चर को हाँ पर यह नंबी स्ट्रक्चर पा भी बिन शन की ठहल एकड़ो न्यूक्लियोसोम बो लिंकर। न्यूक्लियोसोम में मौजूद हैं अठ स्टोन प्रोटीन ए तकरीबन 150 प्लस न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है वरी लिंकर जो है उनमें 40 प्लस तो एक पास असं वट 40 प्लस न्यूक्लियोटाइड्स बे पास 150 प्लस न्यूक्लियोटाइड्स तो इनके मिलाए कर 200 न्यूक्लियोटाइड्स थे। सो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्स द सिंपलेस स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम कॉल्ड क्रोमोनीमेटा। दैट क्रोमोनीमेटा एट सर्टेन पॉइंट्स फॉर्म द बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सिंपली 8 हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर ट्वाइसली सराउंडेड बाय द हिस्टोन प्रोटीन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम देर इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दिस इज कॉल्ड लिंकर। वैन यू कंबाइन दिस लिंकर्स एंड न्यूक्लियोसोम्स एंड फॉर्म द ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड क्रोमोमर्स। क्रोमोमर्स आर रिपीटेडली ट्विस्टेड अगेन एंड अगेन देन फॉर्म क्वाइल्स एंड सुपर क्वाइल्स एंड द सिंपलर स्ट्रक्चर इज बींग फॉर्म देर दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन सिंपली कंटेन्स टू टाइप्स वन इज यू एंड अदर इज हेट्रो
euchromatin is the functional chromatin and heterochromatin is the non-functional chromatin. When these U and heterochromatin are combined in the coils and super coils, they simply again form another higher structure called chromatid. And when these two chromatids are combined, simply they form अंग्रेजी में गलाई जा कोजो ठीक है माफ कजो गलती में सो जड़े वरी क्रोमेटिड्स पाण में मिलंदी तो छा थिंदो क्रोमेटिड्स पाण में मिलंदी तो ठा क्रोमोसोम सो दिस इज बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम ते की पाण एकड़ी सिंपल स्ट्रक्चर का डीएनए स्टोन प्रोटीन का खणी क्रोमोसोम ते पजायो सी हलो यार गाल बोल कदा सी एकड़ी बी नडड़ी टॉपिक दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अच्छा ता जंदो तो सर एतरो जल्दी जंपण यो किताब मुझे सामू पियो आ है जेकरे मा गाल बोल करे वणा त सभी का पैं क्रोमोसोम जी डिस्कवरी थी वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम थी वह टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम थी वह अच्छा नंढड़ी टाइपिक टॉपिक हुई कैरियोटाइप हाँ वह अस किथे न किथे डिस्कस कई है पर वरी थोड़ो बुधा तो छा बाबा कैरियोटाइप ये तो हर जानदार जहाँ क्रोमोसोम्स कढ़ी उनकी पेयरिंग कबी आ भाई पेयर वन ही पेयर टू ही पेयर थ्री पेयर फोर जी डिक्शनरी में ए बी सी असी तरतीब में रखना या वर्ड्स ए बी सी की तरतीब में रखा ये असि क्रोमोसोम की तरतीब ठाईना उ जै भी उन जानवर या उन बूटे या उन इंसान जो क्रोमोसोम कढ़िया वा तो सागी तरतीब में रखा वा मतलब ही जोड़ो जो अस फर्स्ट रखो आ न सरादी भी डीएनए जो कढ़ी हाँ जैसे कबीर जो कटंदी तो उनका भी ये ही क्रोमोसोम फर्स्ट से रखासी छो तो असो स्टेंडराइज सीक्वेंस आ जी अल्फाबेट में असा ए पेरू लेटर रखो पर जो असा पी पेरू रखू हाँ तो हमेशा पी पेरू गणज पर वंस अस ए रखी छो हाँ या तरतीब थी तो पे ए हों बी हों सी हों डी हों दिस इज अ डिक्शनरी सागे नमूना ही आ क्रोमोसोम्स नरी अच्छा फर्ज कर तेरे बकरे की कैरियोटाइप गोल्यो था तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरर हों वो मर्जी से रखी वो पर वंस जैसे वह पेटेंट थी वी रजिस्टर्ड थी वी तो जेनेटिक्स की दुनिया में रजिस्टर थे बो साइंटिस्ट जो भी कम कह उन ही तरतीब से हल्द मिसाल तौर मां चवां तो हंटिंगटन्स डिजीज एक बीमारी है जो क्रोमोसोम नंबर चौथे या क्रोमोसोम नंबर अठे से थी हाँ जैसे फर्ज करो मां जैसे क्रोमोसोम नंबर चार तो समझा को बो साइंटिस्ट उनके बवी समझो वेठो हो तो हाँ मुझी गाल उनकी गाल कॉमन कें थे तेजे कें भी जानदार जहाँ क्रोमोसोम गोल्हे उनके फिक्स कर रखबा उन ही तरतीब के सब फॉलो करना तो वह जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम टी दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप सो एस एच इन में का वही शे हुई को स्ट्रम हो सो पा उन डिस्कस कर आया हूँ ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम चौथे चैप्टर में किया तो बाबा 60% डीएनए होंगी 40% आरएनए होंगी या वो जो अना स्पेसिफिक वासी तो माना 50-60% डीएनए प्रोटीन आ 30-40% डीएनए आ 1-10% आर एन ए होंगी असि अच्छा वो डीएनए में जो है नाइट्रोजिनियस बेस हों पेंटोस शुगर होंगी फॉस्फोरिक एसिड हों एक्सेट्रा अड़े नमस अस प्रोटीन की स्टोन प्रोटीन की गाल बोल कर सजी शे रिपीटेशन थी थी जिंका अवॉइड था क्यों अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हिंसर अ डील कर केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम कर आया हूँ वाटसन एंड क्रिक जो डीएनए जो मॉडल दिनों चैप्टर नंबर 2 में डीएनए जो मॉडल में उतने जो डीएनए जो हेलिक्स पढ़ाया विच में नाइट्रोजिनियस बेसिस पढ़ाया बिन्हीं हेलिक्स के विच में डिस्टेंस केतो वो भी पढ़ियोसी तो ए टू जी अच्छा उन में जो असो प्राइमेस हों 3-5 प्राइमेस है एक्सेट्रा पा ईच एंड एवरीथिंग डीएनए के स्ट्रक्चर की डिटेल में कर आया हूँ जान छुटी पी चार टॉपिक्स डील कर अगमें तो वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल थी अच्छा उन वाटसन क्रिक डीएनए की रेप्लिकेशन एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिनों तो असा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए भी पढ़ी आया हूँ पर मैथ्यू मेजलसन फ्रैंक स्टॉप ही बस साइंटिस्ट आज 1958 में इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के मॉडल के वेरीफाई क्यों कन्फर्म क्यों पान अगर वो एक्सपेरिमेंट पढ़ो थोड़ो वरी भी बुधा था वजूँ बाबा मिसाल तौर पर हि डीएनए हाँ डीएनए टुटंदी छो आ डबल छो थी बायसटेन एंजाइम्स हाँ इन में एकड़ो एंजाइम होंद अस जैसे चवंदा डीएनए हेलिकेस नोट कर छो एक अस डीएनए हेलिकेस यो कह डीएनए जो हेलिक्स टोड़ी जैसे डीएनए जो हेलिक्स टुटंदी माना जो बिटी पट्टी आ जैसे हेलिक्स चवंदा तो डीएनए मुख्तलिफ़ जगह से अनवाइंड थी वी ओपन अप थी वी ओके अच्छा विच में तुम बबल्स ठाया इन बबल्स के चबो है
replicating bubbles. इते DNA replicate पाई चे. तो इन्हें कैसे replicating bubbles चवंदा आहियूं. So these are called replicating bubbles. So पाण इन्हें के छा चोसी, पाण इन्हें के replicating bubbles चोसी. तो ही असांजा replicating bubbles हैं. माना DNA पांजी entire length में कुछ जगह ते open up थी वही आप. केड़न केड़न एंजाइम्स जे करे उन्हें मेकड़ो असां वट DNA helicase आप. अच्छा बियो कड़ो एंजाइम हुंदो असां वट. बियो असां वट DNA आए DNA poly मरेज. अच्छा DNA पॉलीमरेज वरी छा कंदो आ जरे DNA ओपन अप थी विंदी तो उन खां पो नवा नाइट्रोजिनियस बेसिस रखंदो विंदो. मिसाल तौर हन तरफ भी नवा नाइट्रोजिनियस बेसिस रखबा विंदा, हन पासे भी नवा नाइट्रोजिनियस बेसिस रखबा विंदा. त बिनी पासे रे नाइट्रोज पजो रेप्लिकेटिंग बबल वधंदो विंदो, नवा नाइट्रोजिनियस बेसिस तरतीब ईंदा विंदा. सागे नम सा हन तरफ ही रेप्लिकेटिंग बबल वधंदो विंदो, नवा नाइट्रोजिनियस बेसिस रखबा विंदा, ऐ हन पासे भी ये थींदो विंदो. केर पियो करे DNA पॉलीमरेज. DNA पॉलीमरेज जड़ो कर जड़े DNA जो बपटी हुई कभी टुटन थी तो उनके मथा नवा नाइट्रोजीनियस बेसिस अरेंज कर पे वही अबा ही रेप्लिकेटिंग बबल्स थींदा विया उन DNA टुटन थी वही DNA हेलिकेज रख. अच्छा एकड़ो बियो एंजाइम आ जो नालो आ DNA लाइगेज या लिगेज. वो वर छा कर इन पा गंढी वो अबा ये इन तरफ गंढी तो वे ही इन तरफ ही हेडा ही हेडा माना नवा नाइट्रोजीनियस बेसिस गंढबा पायान. ओके हाँ ही जो रेप्लिकेटिंग बबल जी DNA की इंटायर लेंथ में हंड्रेड्स ऑफ बबल्स चंदा ये पाजी लेंथ में वधंदा वेंदा. कीअं मिसाल तौर ही DNA ही रेप्लिकेटिंग बबल ही बबल एक्सेट्रा असा जैसे ब बबल्स तयूस या वरी जैसे असी सागा ही टे ठायूस तो बेहतर रहो. असी इन एंजाइम्स के इतना हटाए छोसी इन ही रेप्लिकेटिंग बबल्स के ऐसूस था. हाँ दिस तो बबल्स वधी आन तो सागा ही टे पर साइज में वधी अब आ इन तरफ डबल थी वही ही इन तरफ डबल ही डबल ही डबल 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 बबल डबल. ओके कुछ अरसे एतरे हद तीन ही डिस्टेंस वधी हो इनजो जो ही मुकम्मल तौर पर अलग थी वही. मथी वाली पट्टी हेठी वाली पट्टी मुकम्मल तौर पर अलग थी वही. इन मथी वाली पट्टी के भी जोड़ी पट्टी मिली वही बी जी नई ठयस अवा ही जोड़ी आई हेठी वाले के भी जोड़ी पट्टी जी मिली जी बी नई ठही. इन तरीके से दिठोसी तो इन में एकड़ी जोड़ो कर ये पुरानी DNA आ जी असि पेरेंटल DNA चवंदी ये जोड़ो कर नई DNA जी असि डाटर DNA चई सकूं था. दिस इज डाटर DNA. हाँ वाटसन एक्रिक वाटसन एक्रिक यो आइडिया दिनों तो DNA जदें भी विरायबी आ अध पुरानी अध नई सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. DNA की रेप्लिकेशन जो मॉडल आने चो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल अध पुराने रखने वो मॉडल. यानि DNA जदें भी डिवाइड थी टुटी रेप्लिकेट थी तो हमेशा अध DNA पुरानी अध DNA नई होंगी. हाँ यह गाल बोल कही वाटसन ए क्रिक इन गाल बोल के कन्फर्म कर दिनों असा मैथ्यू मेजल्सन फ्रैंक स्टॉ इन 1958. हाँ अचो तो कन्फर्म करो एक्सपेरिमेंट आ जैमें इन वेरीफाई कर दिनों था यस DNA इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अचो तो उन वेरीफिकेशन के दिसूँ तो उन वेरीफिकेशन किए कई एक्सपेरिमेंट हुए. अच्छा हाँ पा ये था करूँ तो ही एकड़ो बीकर खोसी इन बीकर में असा एक नाइट्रोजीनियस बेसिस विधान असड़ी DNA खी आज हेवी आइट आइसोटोप्स रखे थी जी जे तरे में पी है. हाँ ये हेवी DNA अब DNA में पान के खबर आ नाइट्रोजीनियस बेस हूँ नाइट्रोजन जो आइसोटोप 15 बो नाइट्रोजन जो आइसोटोप 14. ठीक है हाँ नाइट्रोजन जो 14 वो आइसोटोप आ यो नॉर्मल आमूमन यो हों अब नॉर्मल माना नॉर्मल आई जो 15 वो यो हैवी
इन डीएनए के पा हेवी छो था चूं छो तो इन में एन 15 इस्तेमाल थियल मन कड़ो आइसोटोप इस्तेमाल थियल एन 15 ठीक है। हाँ एन 15 के इस्तेमाल के करे ही असांके हेवी पई नजर अचे पान ही था करूस तो इनको टर्न डिवीजन जो था करूँ मिसाल अबा ही सागो बीकर इन में असा जो हेवी डीएनए विधीसी अच्छा पर इन में जो बया फ्री नाइट्रोजिनियस बेसिस विधल एडीनाइन गाना साइटोसाइन थामाइन धूड़पाइन उड़ा विधाइन उ लाइट वारा विधाइन हेवी न उ लाइट आइसोटोप्स इन में विधान अच्छा हाँ असोसी असा यो कि डीएनए के अलो कियोसी रेप्लीकेट से अबा डीएनए आहिस्ते आहिस्ते रेप्लीकेट थी वही उन में जहाँ बी पट्टी ठही द सेकंड डुप्लेक्स की जहाँ असि स्ट्रिप लाइट हुई हाँ जी तो इन में अध यानि 50% हेवी आ पुरानी वारी इन में जहाँ नई वारी ठही है 50% वह लाइट आ हल्की जैसे कर डीएनए या बॉटम में मथे थी आई विच से अची वही अच्छा वरी असोसी इन सागे के सेकंड टर्न डिवाइड कर दिनोसी अबा ही रही हाँ जैसे डिवाइड थी तो हाँ इन में बन तड़ी ग्रीन पट्टी पे नजर अच्छे बे ब्लू अबा ही है ग्रीन जहाँ हेवी वारी हुई इन में जहाँ नई ठही दैट इज लाइट अच्छा वरी ग्रीन है ब्लू जैसे अलग थे ही ब्लू इन में वरी जी ठही वह भी ब्लू हाँ जो ब्लू ठही तो दिस इज कंप्लीट लाइट ही 100% लाइट आ ही 50% लाइट आ 50% हेवी आ अच्छा हाँ शुरू में कई सी 100% हेवी अच्छा इन 100% हेवी में 100% लाइट थे असें टू टर्न्स करना पा वाई टू टर्न्स एकड़ो टर्न छो को छो तो हमेशा जैसे हेवी डीएनए डिवाइड थी तो पहले मरहल में अध हेवी रही अध लाइट थी वरी जैसे बे मरहल में डिवाइड थी तो हेवी वारी जो अध रही उन वरी भी लाइट वारी अध रही तो एक विच से ही बीहंदी माना वह मथे न वही पर वरी जी लाइट हुई उन भी बी लाइट मिली तो मुकम्मल लाइट थी तो एन 15 वारी डीएनए में एन 14 वारी डीएनए हासिल कर मैथ्यू मेजल्सन फ्रेंक स्टार्क घना टर्न्स करना पाया ट्वाइस इन जो मतलब आ कें भी टर्न में मुकम्मल लाइट असके न मिली जो मतलब तो डीएनए जदें भी डिवाइड थी अध पुरानी अध नई अध पुरानी अध नई अध पुरानी अध नई यह कहानी पे हलंदी दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है। सो मैथ्यू मेजल्सन फ्रेंक स्टार इन एक्सपेरिमेंट के जरिए आइसोटोप इस्तेमाल कर यह गाल कन्फर्म कर दिनी जो वाटसन एंड किर्क कई ही। सो अज के लिए पाँच लाइ ए काफ़ी है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ते अची वियासी चार गाफ रूल अगे ही आयाँ तो 89 हमेशा थामाइन से मिलो डबल बॉन्ड ठाई साइटोसाइन हमेशा गानाइन से मिलो ट्रिपल बॉन्ड ठाई। सो चार गाफ रूल भी असो थी डीएनए जो रेप्लिकेशन मॉडल भी थी मैथ्यू मेजल्सन जो एक्सपेरिमेंट भी थी जीन इज हेरिडिटी मटीरियल। सो बेटा सुबाने पान जीन इज अ हेरिडिटी मटीरियल खणंदासीं प्रोटीन सिंथेसिस वाली टॉपिक भी थियल जस्ट वन मोर लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। सो एक ही लेक्चर में बाकी लेक्चर में अस म्यूटेशन वाले टॉपिक भी कड़ी वासी बाकी टॉपिक्स भी कड़ी वासी। सो जस्ट वन मोर लेक्चर उन वरी पा चैप्टर 7 में वासी। थैंक यू सो मच बेटा।